साथ जीना डायलॉग में बहुत अच्छा लग रहा है और सबका एक अपना रंग है। अगर नेगेटिव भी महिलाएं तीन हैं तो तीनों के तीन रंग दिखेंगे आपको। नेगेटिव है तो खाली नेगेटिव नहीं है, एक अलग तरह का नेगेटिव है, एक अलग तरह का और एक अलग तरह का। तो हर किरदार का एक अलग रंग दिखेगा आपको इसमें, कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है लिखने में और आपको आनंद आएगा देखने में। अरविंद जी का कितना सहयोग रहता है आपके साथ इसमें? नहीं, डायलॉग के मामले में मेरा कोई सहयोग नहीं रहता। मैं बस सुनता हूँ और फिर मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ। और इसलिए नहीं कि नहीं इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी है, लेकिन बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखती हैं ये। और इनके डायलॉग्स लिखने में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। जिसलिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए 8 लाइन होनी चाहिए, लेकिन वो 4 लाइन इतनी स्वस्थ और सुंदर हो जाती हैं जो रेखा जी लिखती हैं, तो उससे माहौल बन जाता है। थैंक यू। हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही प्यार से पूरी टीम हमारी, सर ने तो हम दोनों के बारे में कहा, लेकिन हमें लगता है कि सारी टीम इतनी डिसिप्लिन है और जब शूट करते हैं तो सेट के जैसा नहीं लगता, घर के जैसा लगता है। सब एक दूसरे से बहुत ही सहज स्वभाव में बात करते हैं और एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखते हैं। तो बहुत प्यार से अपनी सारी क्रिएटिविटी और एनर्जी लगा के हम ये शो बना रहे हैं। प्लीज़ आप ये देखो और हमें आपके प्यार और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और देखो शो। और जैसा सर ने बोला इसमें सब कुछ है, सो कोई भी ऐसा चाहिए। सबसे पहले आपका परिचय। आई मीन द कैरेक्टर। ओके, मैं इस सीरियल में माई का रोल कर रही हूँ, जो अंजलि को पाल पोस के बड़ा करती है और उसके लिए उसको बहुत ममता है उसके लिए, और वो नहीं देख पाती कि वो बहू जी जो उसकी जिसके घर पल रही है वो उसको इल्ट्रीट करती है। सो मेनली इमोशनल ज़्यादा है अंजलि के लिए, टेक्स केयर ऑफ हर एंड उसके लिए अच्छा ही सोचती है, बस उसका अच्छा हो। नमस्कार, मैं मुकेश गर्ग का किरदार निभा रहा हूँ इसमें, जो यश का पिता है और इस घर का ये मेरे ताऊ जी हैं, इनका मैं भतीजा भी हूँ और इस घर का हेड भी हूँ। और कहानी के हिसाब से बहुत अच्छा किरदार है मेरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बस यही है कि यश का पिता हूँ, मेरी एक बेटी भी है और इतना ही है अभी तो बता सकता हूँ। हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो अरविंद सर के साथ मैं पहले से ही काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ, मैंने पहले भी काम किया उनके साथ, तो मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि भाई क्या शो है, कैसे है। मुझे पहले से ही मतलब ब्रीफ तो किया गया था कि क्या है, किरदार क्या है, कहानी क्या है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ बहुत ही पॉजिटिव यूनिट है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और सारे अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास यूनिट ऑफ अच्छे एक्टर्स होता है तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है सामने वाले एक्टर के साथ आपको काम करते हुए। और यहाँ पर जितने भी मेरे एक्टर्स हैं सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। इनफैक्ट जो लोग नए भी हैं, जैसे जो नई पीढ़ी दिखाई है इसमें, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको देख के मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यही है बस, थैंक यू वेरी मच। स्टोरी की बात करें, मथुरा की स्टोरी है, अरविंद की सारी स्टोरी है, मोस्टली ऐसी रहती है जो एक गांव की स्टोरी, उसी के साथ ही बोली वाली लड़की जी। क्या करें मथुरा की जो क्लाइमेट में, ये एक्चुअली इसके पहले मैंने अरविंद जी के साथ मिठाई किया था, उसमें मैं मेन दादी का रोल कर रही थी। तो मथुरा का जो फ्लेवर और वो जो आता है ना पॉजिटिवनेस राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, वो इनकी स्टोरी में मिलता है। जैसे एक होता है ना कि एक पैटर्न से पता लग जाएगा ये अरविंद बब्बल प्रोडक्शन है, खुद भी उधर ही के हैं ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव वाइब स्टार्ट्स विद दैट। और फिर कैरेक्टर्स वो हमेशा ऐसे छांट के करते हैं ना आर्टिस्ट को, ऐसे हैं जो उधर से बिलोंग करते हैं मथुरा से। जी, मैं भी खैर थोड़ा सा उसके करीब से ही हूँ, तो मुझे कल्चर का वैसे भी थोड़ा सा पहले से ही आइडिया है। तो और दूसरी बात यह है कि जो इसमें पॉजिटिविटी है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये दिखाया कि जो हमारी जो मेन लड़की है वो कान्हा जी के साथ डायरेक्टली बात करती है, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेरी इंक्लिनेशन है। एंड आई ऑल्सो फील कि जिस वक्त मैं थोड़ा दुविधा में फ़ील करता हूँ, परेशान फील करता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से ही दिल से मैं कनेक्ट फील कर सकता हूँ कि ईश्वर के साथ मैं बात कर लेता हूँ और मेरा मन भी हल्का होता है। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें
हमारे साथ जो कान्हा हैं, बाल गोपाल हैं, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो एक्चुअली उनकी प्रेजेंस है इसमें। जो लड़की अपनी डायरेक्टली अपने दिल की बातें उनसे करती है, क्योंकि मैं खुद ऐसा कई बार फील करता हूँ अपने साथ, अपनी प्रेजेंस ईश्वर के आसपास फील करता हूँ, तो आई कैन फील कि वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष है वो चीज़, और वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है वो। और बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अरविंद जी का भी बहुत पॉजिटिव पूरी हर चीज़ को लेकर नज़रिया है, और ईश्वर का कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास उनकी प्रेजेंस हो तो हर चीज़ अच्छी ही होती है। और आई कैन गारंटी यू कि इस सेट पे वो पॉजिटिविटी है, और ये वो एनर्जी है। नहीं, शिमारू मंग का टॉप सीरियल है ये, पक्की बात। पक्की बात। हाँ, मेरा नाम गगन प्रदीप है और मैं सुबोध अग्रवाल इसमें प्ले कर रहा हूँ। जो मैं यही बोलूँगा कि मैं अरविंद जी से तो पहली बार मिला, मुझे इससे पहले इनके साथ मौका नहीं मिला काम करने का, और सौभाग्य है। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि सीरियल में जो भी मैंने काम किया, मुझे लगता है कि मुझे ये ऐसा किरदार मिला है जिसमें बहुत शेड्स हैं। अभी हमने कुछ ही एपिसोड जो हैं वो शूट किए हैं, लेकिन जो इसमें ब्यूटी देखने को मिली है, और सीरियल करते हुए एहसास हो रहा है कि हम सीरियल नहीं कर रहे हैं, मतलब फिल्म कर रहे हैं। और मेरे जो साथी कलाकार हैं वो बहुत ही, कुछ सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, लेकिन सबके साथ काम करने का बहुत मज़ा आ रहा है। स्टोरी अपने आप में अलग है और बहुत मोड़ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको मज़ा आया। मैं बेसिकली किसी का दादा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, और लेकिन हाँ इस फैमिली का हेड हूँ। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये है कि ये करेक्टर यहाँ नहीं रहता, जो इसका ये घर इसका है लेकिन ये यहाँ नहीं रहता। कुछ इसके अपने कारण हैं, धीरे धीरे रिवील होंगे स्टोरी के अंदर, ये क्या यहाँ क्यों नहीं रहता है, क्या रीज़न। बड़े इंटरेस्टिंग कारण है। हाँ, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग कारण, और वो करेक्टर आता जाता रहता है, लेकिन अपने कन्विक्शन का बहुत पक्का है। और मुझे ये काम करते हुए करीब 30-35 साल हो गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। बब्बल के साथ मैंने 96 में कभी काम किया था, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं अब 25 साल बाद उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक तो बब्बल की बड़ी अच्छी बात यह है कि चाहे प्रोग्राम कितना भी छोटा हो, वो हमेशा उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बब्बल की बड़ी खासियत है अरविंद को। और पहला ऐसा मैंने कोई शो देखा है 2002 या 2004 के बाद की बात आपको बता रहा हूँ, कि जिसकी कहानी मुझे पता है कि 50-60 एपिसोड तक क्या चलेगी। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, जब हम टेलीविज़न करना शुरू करते हैं तो हवा में करते हैं। हमको ऐसे कहा जाता है कि जैसा फला फिल्म में अमरीश पुरी थे ना, आप वो हो। कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, लेकिन अगर डायरेक्टर बैठ करके अपने एक्टर को ये बताता है कि मेरी कहानी ये है, और वो ये कहता है कि 50-60 एपिसोड तक मेरी कहानी ऐसे चलेगी, ये अपने आप में बहुत ही, मुझे यूँ अजब लगता है कि ऐसा होता नहीं अभी जैसा टेलीविज़न, अभी तो ऐसा होता नहीं, लेकिन शिमारू में इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि दिस शो विल रन लाइक एनीथिंग। और सबसे बड़ी ये खासियत मुझे भी फील हुई जो रवि जी ने अभी कहा, कि एक्टर की सबसे बड़ी दुविधा ये डेली सोप्स में नॉर्मली ये होती है कि उसको ये जानने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से जवाब नहीं मिलता कि आगे 3 एपिसोड बाद क्या होने वाला है, या हमारा ट्रैक आगे कहाँ जाना है। इसमें हर एक्टर के लिए काम है करने के लिए, हर किरदार का एक जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड है, और हर एक्टर के लिए काम करने के लिए, और हर एक्टर को पता है कि आगे, जैसे इन्होंने बोला 50 एपिसोड के, हमें पता है कि हमारा आगे कहाँ जाने वाला हमारा। ये एक बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। मुझे भी शुरू में आते ही जो ब्रीफ दिया उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और हमें पता है। और एक्चुअली जो इनकी शॉर्ट टेकिंग भी है वो भी ऐसी है कि आज मुझे भी, रवि जी को तो काफ़ी साल हो गए, मुझे भी 22-23 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ।